Assalamualaikum. Welcome back to another vlog. Assalamualaikum. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ. अगर आप लोगों ने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ और बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया वो भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो और शॉर्ट जो है वो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए. तो मैं बस अभी उठा था क्योंकि कल की थकावट काफ़ी थी, तो अभी नहाया हूँ, रेडी हूँ. तो नमाज का टाइम है, नमाज़ पढ़ लूँ फिर इंशाल्लाह बात करते हैं. इन नमाज वगैरह पढ़ ली, फ्री हूँ मैं, तो मैंने कहा नाश्ता कर लें, तो नाश्ते के बाद मैंने निकलना काम के लिए, फिर इंशाल्लाह बात होती है. जी नाश्ता वगैरह कर लिया, तो मैं निकल रहा था काम के लिए, तो इंशाल्लाह चलते हैं, फिर बात होती है नेक्स्ट. इब्राहिम लोगों की तरफ पढ़ाने, तो नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ी है, तो इनको पढ़ाया, चाय शाय पिए, तो मैं निकलने लगा था, तो कहते सर हमारे साथ मतलब एक क्लिप बनाए हैं, हमने आपसे पूछना है कि आपने कल इस्लामाबाद क्या क्या किया, क्या खाया पिया, कहाँ घूमे, क्यों गए थे. तो मैंने कहा चलें ठीक है कर लेते हैं. तो आए इनसे बात करते हैं वन बाई वन, पहले साइम से करते हैं, फिर इब्राहिम से, फिर इस्माइल से. तो हाँ जी साइम, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? ठीक है जी, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक. और तबीयत ठीक है आपकी? तो आप मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं कल के लिए? मैंने कहा जी आपसे ये पूछा था आप इस्लामाबाद गए किस काम के लिए थे और आपको कैसे लगा, कहाँ कहाँ गए? सही. तो बेटा पहली बात है कि इस्लामाबाद मेरा कज़न है एक, उसने ना अपना मेडिकल करवाना था और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो हमने ना मतलब उसने एम्बेसी से टेस्टेड करवाने थे, तो उस सिलसिले में हम गए थे. सुबह 5 बजे हम यहाँ से निकले हैं, 5:30 बजे, तो 10-11 बजे वहाँ पहुँचे, एम्बेसी की वहाँ डॉक्यूमेंट थी अटेस्टेशन के लिए, उसकी जो भी प्रोसीजर फ़ीस वगैरह. उसके बाद फिर हम F10 एरिया है इस्लामाबाद का, बड़ा अच्छा एरिया, खूबसूरत है, वहाँ पे गए, वहाँ नमाज़ पढ़ी है, खाना शाना खाया है, चाय शाय पी है, तो बड़ा एक्सपेंसिव था. उसके बाद फिर वहाँ पे कज़न का मेडिकल था, तो उसके बाद 3 घंटे वहाँ पे वेट किया हमने, और फिर असगर माल रोड गए हैं, वहाँ पे मतलब थोड़ा सा सैर सपाटा किया है, तो ये सीन था. और जल्दी मैंने ये कह रहा था कि आप जैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोज़ व्लॉग अपलोड कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके एडिट वगैरह ये वो, इतनी देर लगती बंदे को, तो आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सर के 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट करवाएं, थोड़े से तो रह गए बस. जी बिल्कुल ऐसे ही है. साइम मुझे कह रहा है कि सर आप डेली व्लॉग्स करते हैं, ये है वो है. मन कर नहीं बेटा, डेली करने चाहिए. कोई भी इंसान कंसिस्टेंटली जो मेहनत करता है ना, तो उसका जो है वो लाजमी फल मिलता है. तो माशाल्लाह सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, ताकि जो है वो मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, और वॉच टाइम भी ताकि जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो. तो साइम आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो अब इब्राहिम से पूछते हैं कि उसके दिन में क्या ख्याल आते हैं कल, जो मेरे से पूछना चाह रहा है ये. हाँ जी इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल चाल है? ठीक है सर. और तबीयत से ठीक है आपकी? हाँ जी आपकी ठीक है. जी अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ. तो आप मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं इस्लामाबाद के वाले से? सर मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, आप जब वहाँ एक्सपेंसिव था वहाँ बहुत होटल. जी इस्लामाबाद आपको पता है बेटा पाकिस्तान का कैपिटल है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ पे. मतलब आपने चाय भी पीनी है ना, तो 200 का कप है मिनिमम. ठीक है ठीक है. और इसके अलावा नहीं सर. वहाँ पे बड़ा मज़ा, मतलब क्या हुआ, हम जब पहुँचे अड्डे पे, वहाँ से हमने किसी दोस्त से बाइक लेनी थी, बाइक ली वहाँ से, तो बाइक ले के फिर हम ना मतलब फिरते रहे हैं, मतलब बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा एरिया है, कोई मतलब मिट्टी डस्ट वगैरह नहीं है वहाँ पे, बड़ा खूबसूरत एरिया, ग्रीनरी वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा है, तो क्योंकि मैंने क्लिप में ऐड भी की है काफ़ी सारी चीज़ें, तो कुछ वीडियोज़ ऐड नहीं की क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाना था. तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत एरिया है, और आप लोगों को भी चाहिए कि वहाँ पर जाना चाहिए. बल्कि हमने इमाम बरी सरकार के दरबार पर जाना था, लेकिन वो टाइम की शॉर्टेज इस तरह की थी कि हम नहीं जा सके, तो ये सारा सिस्टम था. और कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं सर बस. सही है. तो वो कज़न की बाइक थी, वो बाइक दे के फिर हम मतलब निकल आए. तो आए जी अब इस्माइल से पूछते हैं कि उसके दिन में क्या चल रहा है इस टाइम.
अली इस्माइल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ सर जी, आपका क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। तो आप मेरे से क्या सवाल करना चाह रहे हैं कि सर आप कल इस्लामाबाद गए थे? जी हमने वहाँ क्या क्या खाया। क्या क्या खाया? यस। अच्छा जी बेटा, हमने घर से ना सैंडविच बनवाए थे, वो हम साथ ले गए थे। हमें पता था इस्लामाबाद बहुत एक्सपेंसिव है, तो घर से हम बाकी लेज़ वगैरह, कोल्ड ड्रिंक और सारी चीज़ें मतलब साथ लेके गए थे। उसमें फिर ये था कि हमें मतलब चाय शाय वहाँ पे पी है हमने, दोपहर की फ्राइज़ खाई है, और रात को जो है वो मतलब कबाब वगैरह खाए थे हमने जब अड्डे पे टिकट लेने गए हैं। बाकी माशाल्लाह हमारे पास अपना सारा सिस्टम था खाने पीने का, तो ये सारा सिस्टम है। और कुछ पूछना चाहेंगी? चलें जी, ये थे बच्चे माशाल्लाह, ये बड़ा मुझे सपोर्ट करते हैं और आगे चैनल मेरा शेयर भी करते हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं मेरे, और आपकी सबकी जो है वो मोहब्बतों का नतीजा है इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट फिर वीडियो में ऐड करता हूँ। 2 hours later अभी घर आया था, खाना शाना खाया है, तो आज माशाल्लाह बाजी ने जो है वो पाए बनाए हुए थे, तो बड़े पाए वो खाए हैं, तो बड़ा मज़ा आया। तो आपको मैंने वो छोटा सा जो है वो क्लिप ऐड किया उसमें, माशाल्लाह बड़े टेस्टी और यम्मी थे। और सुबह साग से नाश्ता किया था, क्योंकि मेरा खाना दो टाइम का ही होता है, मतलब एक सुबह नाश्ता जो है वो दोपहर का खाना और नाश्ता होता है साथ, और रात को जो है वो मतलब मैंने आके खाना होता है। बाकी मेरी कोई इतनी ज़्यादा कोई डाइट शाइट नहीं है। तो माशाल्लाह क्योंकि अब सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है, अभी सीज़न में जो है वो मतलब फ़िश भी चलती है, फ़िश और पाए ज़्यादा चीज़ें यही चलती हैं। तो बस अभी आया था फ्री होके, आज कोई ज़्यादा मतलब व्लॉग नहीं बना, तो मैं कोशिश कर रहा था कि जो है ना वो ऐसन के साथ ना जलंधर पे चलें फ़िश लेने, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है फ़िश नहीं खाई थी जलंधर वालों की। मैंने कहा चलें अब सर्दी आ गई है तो अब कोई प्लान बनाते हैं। तो मैं ऐसन का वेट कर रहा हूँ, ऐसन आ जाए तो फिर देखते क्या हिसाब किताब है, आज खानी है या कल खानी है, तो फिर वो देख लेते हैं। माइंड तो यही है कि अभी चलते हैं, तो बाकी ये है कि ऐसा ना आता तो फिर देखते हैं। मैंने कहा चले ये क्लिप में ऐड करते हैं, सर्दी भी काफ़ी हो गई है, तो आप लोग भी जो है वो अपना मतलब ख्याल रखें, घर से निकलते वक्त जो है वो स्वेटर जर्सी अभी लाजमी पहने, मतलब जैकेट वाला तो इतना सीन नहीं है, लेकिन ये है कि जो खुले एरियाज़ हैं जैसे मतलब ये जंग रोड है, यूप चुन्नी है, या ये जंग रोड से आगे जाएँ आप, ये सारा खुला एरिया है, यहाँ पर जो है वो मतलब ठंड ज़्यादा है, ग्रीनरी भी क्योंकि है। लेकिन अगर आप हमारी वाली साइड पे जाएं उधर सियाना रोड पे, मतलब जो कलोनियाँ वो मतलब नॉर्मल से एरिया मोहल्ले वगैरह हैं, वहाँ पे मतलब इतना फील नहीं होता। तो ये कि अपना ख्याल रखें, सर्दी से जो है वो बचना चाहिए, आती सर्दी से भी बचना चाहिए और जाती सर्दी से भी जो है वो बचना चाहिए, ये मौला का भी फरमान है। तो इसलिए जो है मौसम जब चेंज हो रहा हो ना, तो उससे जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी चाहिए। तो बाकी कल का जो व्लॉग था आप लोगों ने वो मतलब मेरा देख लिया, इस्लामाबाद टूर का था वन डे का, तो वो माशाल्लाह बड़ा एंजॉय किया, बाइक पे भी मतलब विज़िट किया वहाँ पे काफ़ी सारा, उसके बाद फिर बाकी ड्राइवों पे हम मतलब रहे। लेकिन ये कि जलालत काफ़ी हो गई थी सुबह अर्ली, मतलब उठना पड़ा 5 बजे, 5 से लेके रात ऑनवर्ड तकरीबन 1 बज गया था हमें घर आते आते। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है खैर वाफिया से आ गए हम, लेकिन इस्लामाबाद जो है बहुत एक्सपेंसिव है। तो बाकी ये है कि मैं एक आधी वीडियो बनाऊंगा मतलब गैरीज इन्फॉर्मेशन के ऊपर ना, कि अगर मतलब किसी ने चाइना का वीज़ा लगवाना है तो उसके या डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड करवाने हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है और किस तरह मतलब उसका प्रोसीजर होता है क्या, और किस तरह जो है वो उसके कितने एक्सपेंसेस आते हैं और किस तरह वो आपने कवर अप करना होता है। तो ये मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा इसकी प्रॉपर, ताकि आप सब लोगों को जब उसकी गाइडलाइन हो। तो मैंने कहा ये चले क्लिप ऐड करते हैं, अभी खाना शाना खाया है, तो देखते हैं अगर ऐसा ना आ गया तो इंशाल्लाह फिर जलंधर पे जाके देखते हैं फ़िश का क्या सीन है, नहीं तो कल से इंशाल्लाह। तो ये ऐड करते हैं इंशाल्लाह फिर बात होती है। A few moments later। अच्छा जी, सीन इस तरह है कि अब ऐसन को मैंने कॉल की थी कि यार इस तरह जो है ना वो जलंधर वालों के जाना है मछली खाने, तो ऐसन कहता भाई मैं घर से पाए खा के गया था, तो अब मैं दोस्त के साथ आया हूँ बाहर, मुझे टाइम लग जाना है, और चाय शाय पी ली है मैंने, तो कल का रख लें या फिर नेक्स्ट कभी। मैंने कहा चलें ठीक है, तो मैंने भी फिर आपके सामने खाना छाना खाया, मेरी थोड़ी गुंजाइश थी, मैंने कहा चलें फ़िश भी खा लेंगे। तो ये कि अब इंशाल्लाह नेक्स्ट को भी प्लान करते हैं, या कल का करेंगे या वीकेंड पे जो है ना वो फिर इंशाल्लाह जलंधर वालों की मछली खा के आएंगे। मैंने कहा मैंने चलें व्लॉग में जो है वो एक क्लिप ऐड किया था,
लेकिन क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ तकरीबन 11:30 बजे मैं मतलब पहुँचा था 10:45 घर ना, तो इस वजह से फिर वो नहीं प्लान बन सका। कल इंशाल्लाह देखेंगे या नेक्स्ट कभी देखेंगे जो है वो जो भी हुआ फिश का प्लान। तो अभी मैंने का व्लॉग एंड करना था, काफ़ी टाइम हो गया है। अब चाय चाय जो है वो अभी पिए थोड़ी देर पहले, मैंने का व्लॉग एंड कर लें। नादिली जो है वो जल्दी से हो गया, आपको पता कि स्कूल की टाइमिंग सुबह मतलब जल्दी उठना पड़ता बच्चों को, तो मैं लेट आता हूँ घर। तो इंशाल्लाह कल देखेंगे नादिली को व्लॉग में लेते हैं। तो कल इंशाल्लाह फिर जो है वो नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। माशाल्लाह जो है वो सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं, 969 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस मंथ में जो है ना 1K लाजमी 1K प्लस हो जाएंगे। तो ये सारी आप दोस्तों की बहन भाइयों की दुआओं का नतीजा है और आपकी सपोर्ट है, और मुझे आपकी मज़ीद सपोर्ट चाहिए। जितना हो सके शेयर करें आप अपने फ्रेंड्स को, जितने अजीज़ वकारीब हैं आपके सबको चैनल शेयर करें, और मेरा जो व्लॉग्स हैं वो लाजमी आप मतलब कम्प्लीट देखा करें। थोड़ा मतलब लेंथी भी होता है तो उसको वेव ऑफ नहीं करना अपने टाइम। अगर आपका नहीं दिल कर रहा कम से कम आप उसका वॉच टाइम पूरा करें लगा के, आप मतलब कवर अप कर लें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।